इस वीडियो हम बात करेंगे MSPT डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आप आपके मोबाइल से कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, वहां आपको डीजी लॉकर सर्च करना है। डीजी लॉकर ऐप आपके सामने ओपन होगा, इसे इंस्टॉल करना है और ओपन करना है। ओपन होने के बाद आपको गेट स्टार्टेड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपका डीजी लॉकर अकाउंट नहीं होगा तो आपको क्रिएट अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ दी हुई सभी डिटेल्स फिल करके अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपको बैक आकर लॉग इन इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉग इन पर क्लिक करने के बाद आप मोबाइल नंबर या आधार नंबर से लॉग इन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। हम मोबाइल नंबर चूज कर लेते हैं। उसके बाद 6-डिजिट नंबर डालना है। ये नंबर आपको अकाउंट बनाते वक्त बनाना पड़ेगा। ये नंबर डालने के बाद आपको साइन इन करना है। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ डालना है और सबमिट करना है। डीजी लॉकर अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। नीचे आपको सर्च का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है और यहाँ ऊपर सर्च फॉर डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ महाराष्ट्र सर्च करना है। सर्च में नीचे डिप्लोमा सर्टिफिकेट में आपको MSPT दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ नेम और डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको बस यहाँ आपका एनरोलमेंट नंबर डालना है और सिलेक्ट ईयर पर क्लिक करके डिप्लोमा ईयर ऑफ पासिंग डालना है और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। फिर इश्यू डॉक्यूमेंट में आपको लास्ट में डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना है। आपका सर्टिफिकेट आपको दिख जाएगा। ये सर्टिफिकेट सभी जगह डिजिटली वैलिड है। इस तरह आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।